शाहरुख खान को बॉलीवुड वाले किंग खान कहते हैं। वेल, फैंस उन्हें बाजीगर, बादशाह और भी कई नामों से पुकारते हैं। वहीं आज यानी 25 जून 2022 को किंग खान को बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए अपने फैंस को धन्यवाद दिया और साथ में अपनी आने वाली फिल्म पठान का मोशन पोस्टर रिलीज किया। शाहरुख खान ने अपने इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, 30 साल और गिनती भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपका प्यार और आपकी मुस्कुराहटें असीम रही हैं। सिलसिला जारी रहेगा पठान के साथ, पठान का जश्न मनाइए #YRF50 के साथ 25 जून 2023 को। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। इसमें दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम दिखाई देंगे। आपको बता दें कि शाहरुख खान की पिछली फिल्म जीरो थी, जो साल 2018 में आई थी। इसके बाद अब साल 2023 में शाहरुख की लगातार कई फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं, जिसमें पठान, जवान, डंकी जैसी फिल्में शामिल हैं। इस साल यानी 2022 में शाहरुख अयान मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक कैमियो रोल में दिखाई देंगे, ऐसी खबरें हैं। ब्रह्मास्त्र सितंबर में रिलीज होगी, हालांकि इसससे पहले जुलाई में ही SRK फैंस को स्क्रीन पर दिखाई देंगे। वो ऐसे कि आर माधवन की आने वाली फिल्म रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट में शाहरुख का एक कैमियो है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में शाहरुख एक जर्नलिस्ट चैट शो होस्ट का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। अपने इंटरव्यू में आर माधवन ने इस बात का खुलासा किया कि इस कैमियो के लिए शाहरुख ने कोई फीस नहीं ली थी। आप शाहरुख की किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।